नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा शेयर लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह शेयर है रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड का। दोस्तों आरकॉम का शेयर आज के दिन 1.95 रुपये पर बंद हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड की बात की जाए तो यह टेली कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2004 को हुई थी, यानी कि 18 साल पहले। इसके जो फाउंडर हैं वे अनिल अंबानी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई महाराष्ट्र में है और जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वर्ल्ड वाइड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके प्रोडक्ट की बात की जाए, जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वे हैं मोबाइल टेलीफोनी, वायरलेस इंटरनेट, डिजिटल टेलीविजन। सर्विसेज की बात की जाए, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है वे है इंटरनेट सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, क्लाउड नेटवर्किंग, डेटा सेंटर सर्विसेज, एंटरप्राइज वॉइस, क्लाउड टेलीफोनी, कोलैबोरेशन सर्विसेज, होलसेल वॉइस, वैल्यू एडेड सर्विसेज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात की जाए तो 3,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं। और ये रिलायंस धीरू भाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है। डिविजन्स की बात की जाए तो जो इसके डिविजन्स है वे मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, टेलीविजन, एंटरप्राइज। इसके सब्सिडायरीज की बात की जाए, इसके जो सब्सिडायरीज है वो है ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज, डिजी केबल। और दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो है 2G, 3G एंड 4G डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कॉलिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। और दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड अभी दिवालिया घोषित हो चुका था और बैंकरप्टसी की प्रोसेस से गुजर रहा था। तो दोस्तों उस बैंकरप्टसी प्रोसेस में बिड लगाकर रिलायंस जियो ने आरकॉम को टेक ओवर कर लिया, यानी कि इसके जो असेट्स हैं, टावर हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल हैं, इसका जो भी पूरा नेटवर्क है उसको बिड लगा के टेक ओवर कर लिया है। और रिलायंस जियो उसका इस्तेमाल अपने 5G नेटवर्क को बढ़ाने में करेगा। तो दोस्तों काफी अच्छी खबर है कि रिलायंस जियो ने आरकॉम को टेक ओवर कर लिया है। अब जो भी फैसले लिए जाएंगे वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी जी उनके द्वारा लिए जाएंगे। और बहुत ही जल्द इसमें बहुत बड़ी गुड न्यूज भी आ सकती है आने वाले समय में, जैसा कि इस अब जो कंपनी की जो कमान है वे मुकेश अंबानी जी के हाथों में है, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के हाथों में है। तो आने वाला समय इसका काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी भी आने वाले समय में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो आने वाला समय दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का काफी अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों आने वाले समय में कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक भी कर सकती है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की जो शेयर्स हैं उनकी डिलीवरीज की बात की जाए तो डेली इसमें 100% की डिलीवरी हो रही है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि इसका स्टॉक प्राइस काफी ऊपर जा सकता है यहाँ से। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 5.18% की शेयर होल्डिंग है और पब्लिक के पास 94.82% की शेयर होल्डिंग है। तो दोस्तों जैसा कि प्रमोटर्स के पास जो शेयर होल्डिंग है वो काफी कम है, तो ये लोग इसको बढ़ाने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि अब जो कंपनी की कमान है वो मुकेश अंबानी जी के हाथों में है। तो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको बढ़ाया जाएगा। इसके लिए कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक भी कर सकती है, पब्लिक को ऑफर दे सकती है और अच्छे प्राइस पे ही ऑफर दिया जाएगा मेरे ख्याल से। तो
तो जैसे ही कंपनी अपने शेयर प्राइस को बायबैक करने की घोषणा करेगी, इसका स्टॉक प्राइस यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है, जैसा कि आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि इसने जो हाई लगाया हुआ है वो 792.30 रुपए का हाई लगाया हुआ है 11 जनवरी 2008 को हाई लगाया हुआ है। अभी काफी सस्ते रेट पर उपलब्ध है, तो दोस्तों आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर को कैश में बाय कीजिए, इसके जो शेयर की डिलीवरी है वो अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए, और दोस्तों आप इसको अगले 1 से 2 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 1 से 2 सालों में यह स्टॉक 35 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है, और अगर आप इसको 2 से 3 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं तो इसका यह शेयर 50 रुपए के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, और दोस्तों लॉन्ग टर्म की बात की जाए 8 से 10 साल अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं तो इसका शेयर 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं इसने जो हाई लगाया हुआ है वो 792.30 रुपए का लगाया हुआ है। अभी काफी सस्ते रेट पर मिल रहा है, अगर थोड़ा सा नीचे जाता है तो वहां पे आप लोग इसको और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द इसमें कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज भी आ सकती है, जैसा कि कंपनी कमान अब मुकेश अंबानी जी के हाथों में है तो इसका शेयर प्राइस यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। दोस्तों हो सकता है कि भारत सरकार की ओर से भी आने वाले समय में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को कोई बहुत अच्छा और बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। आने वाले समय में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड अपने जो शेयर्स है कंपनी बायबैक भी कर सकती है अच्छे प्राइस पर, तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर को कैश में बाय कीजिए, इसके जो शेयर की डिलीवरी है वो अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए, और दोस्तों आप इसको अगले 1 से 2 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 1 से 2 सालों में यह स्टॉक 35 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है, अगर 4 से 5 साल अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं मीडियम टर्म तो 50 से 70 रुपए के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, और लॉन्ग टर्म की बात की जाए अगर आप इसमें 8 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका शेयर प्राइस 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक जाते हुए नजर आ सकता है। तो दोस्तों आप लोग चाहें तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए शेयर का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।